गर्मी मौसम शुरू भएसँगै खरबुजा को माग बजार में अधिक होने गर्दछ। अरु वर्ष में बजार मागसँगै खरबुजा बिक्री गरी किसानहरूले मनग्य आमदानी गर्ने गर्दथे। तर अहिले कोरोना भाइरस को संक्रमण को कारण देश नै लकडाउन में रहेकाले व्यापार र आवागमन ठप्प भएपछि खरबुजा खेतमै कुहिने डर र त्रासमा रहेका छन् किसानहरू। धनुषा र सिराहा सीमामा पर्ने कमला नदी छेउछाउ मज्जाको खरबुजा खेती भइरहेको छ। गर्मीमा पानी र शीतलता दुवै अभाव पूरा गर्ने फल खरबुजाको माग हुने भएकाले यस सिजनमा तरबुज खेती कमला नदी छेउछाउका धनुषा र सिराह किसानहरूको मुख्य उत्पादन हुने गरेको छ। तर लकडाउनका कारण व्यापार र आवागमन ठप्प भएपछि यस वर्ष तरबुज खेतमै कुहिने अर्को डर र त्रासमा रहेका यहाँका किसानहरू बताउँछन्। पाकल तरबुज हे नै बिकाई हे, त कुनै उपाय त सरकारकै निकाल्नै पर्थे। आई हम गरीब आदमी छे, ते पैसा लगौने छे कर्जा बर्जा लग कर नहीं बिकेते, तो हम गरीब आदमी सब सरकार के कथी कहब। आप हमरा और के मतलब किसान छे, पूंजी नहीं बचते, पैसा नहीं बचते, अही बेरी हम सब के हमरा सब के घाटा लगते, नहीं पैसा होते, तो अगारी साल कर सकब कौन उपाय रहते। सिराह में मात्र कमला नदी किनार में किसान करीब 25 बीघा में खरबुजा खेती गरेको छन्। फल उत्पादन भएर बजार का लागि तैयार रहे पनि व्यापारी न आइदिए पछि उनीहरू संकट में परेको बताउँछन्। सिराह कर्जनहा नगरपालिका वडा नंबर 6 बेतहा निवासी नरेन्द्र मुखियाले मात्र करीब 4 बीघा में तरबुज खेती गरेको जानकारी दिए। सेल त आइ फर्स्ट डे है, 30 क्विंटल मांग के व्यापारी दूसरा लोट में ताल किया ना ऐसे हम मालूम। अभी तो फर्स्ट डे स्टार्टिंग है, अब अपन कुछ कह नहीं सकते। लॉकडाउन के कारण से कुछ प्रभाव है, अखन तो व्यापारी आबि रहल है। हमारा तो शुरू से चिंता छल कहीं व्यापारी नहीं अतः तो फंस जाए, जहाँ पूंजी लगानी डूब जाए, लेकिन देखे से अभी व्यापारी आबि रहल है 2-4 गो। व्यापारीको गाडी त आएन, खुद्रा बिक्री पनि नभएको दुःख व्यक्त गरेका छन्। एकजनालाई खेती गर्न 2,50,000 सम्म खर्च लागत भएको मुखिया बताउँछन्। उब्जाएको खरबुजा खपत भएन भने नरेन्द्रलाई ठुलो आर्थिक संकट पर्ने पक्का पक्की भएको देखिएको छ। हामी जम्मै किसान मिलके ओकरा ल बात रखले रहिए जे ऊ बाइल रहले पूरे बगर घुमले, कल के जे अगर व्यापारी नहीं अत तो 2-2.5 करोड़ के बलू लगत है। 250 बीघा जमा जमीन हमरा सब के तरबूज खेती हुए एक हजार नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में, तो अगर नहीं अल तो राहत उपलब्ध करते मेयर साहब। सरकार के कदी कहचाबे हम कुछ ठीक है यति कहचाबे। ऋण लिएर खेती गरेकाले साहूले ब्याज लिने नै भयो र उब्जाएको फल पनि खेतमै कुहिने भएपछि किसानको पीडा कहाली लाग्दो हुने देखिन्छ। न त बजार छ न त व्यापारी नै, यस्तो बेलामा के गर्ने भनेर किसानले आफूहरूको पीडा सरकार समक्ष पुर्याइदिने आग्रह गरेका छन्। किसानहरूको भनाई अनुसार कमलाको बगरमा गोहिया बनाई रातिमा बाल बच्चा सहित बसेर फल उब्जाएको तर हात लाग्ने शून्य रहेको किसानहरूको भनाइ छ। कति कहवे हसे कहला से कति होते जे ओकरा सहजोर करते, हमरा सबके त सहजोर करते आ नहि करते त की करबे कहू। नहि बिक्री भ रहल है त ओकरा यहाँ से केना बिक्री होते से ने अहाँ सब ने जनबे। आन साल के तुलना में हमारे में की पूरा 50% लॉस में जा रहल है, कैला कि नहि कोनो व्यापारी आबि रहल है, आ माल पूरा रेडी भ गेल है के आ ओत रेडी भेला के बाद न त खर्चा भेला अब कत से हम बेहोर भी। सरकार के हम कहला चाहे छी कि जे कि ओत जे हमर खर्च लागल है लॉकडाउन के कारण से, तो हमरे के समस्या नहीं है, पूरा देश के समस्या है। 4 बीघा 3,00,000 रुपया लगाने लागल छै, जे कि अहाँ सबके राहत दिया है, माल नहीं सेल होते, लेकिन अखन तक कोनो कुछो नहीं भ रहल है। रात के तो दूरे के बाद कोनो सूचना तक नहीं दे रहल है। एगो चीज कहे कि अहाँ सब लग आओ व्यापारी के अहाँ के हम अथी प्रवेश अथि पत्र देव, जे कि अहाँ माल सेल करू। हम कथी कहना चाहे छी है कि सरकार के हमर माल सेल भ जाए छै, तऽ हिसाब से कम लॉकडाउन के माइन के कम से कम दूरी बना के इंसान सब के खाद्यान्न पदार्थ के यूज होय परले। राति जानवरहरू घोर गदरले खरबुजा खीरा खीरी र तरकारी बाली तथा फल खान हुलको हुल आउँछ, हैरान गर्छ। बाली नष्ट पार्ने डरले रातभर नसुतेर पहरा दिएर बस्नु पर्ने सम्मको मेहनत गरेको अर्को किसानको छोराले बताए। कत घर छ तोहर किसा, मतलब तरबुज खेती केने छ, मतलब केना भए छौ, बिकाय छौ कि नै बिकाय छौ? मतलब पहिले साल के तुलना में बेसी कि कम? कम बिकाय है। मुख्य फल खरबुजा रहे पनि त्यसका साथसाथै काक्रो खीरी
फुइट सहित का फल समेत खेतमै कुहिने डरले किसानलाई सताएको छ। अब पेट पाल्न पनि समस्या भएको छ। कमला बचाउन अभियानका अभियानीहरू सहित कमला बगरमा पुगेको कमला बचाउ अभियानका सचिव एवं मानव अधिकार कर्मी विनोद महराजसँग किसानहरू गुनासो गर्दै न्यायको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसम्म पहल गरिदिनु हुन अनुरोध समेत गरेका छन्। एरिना टेलिभिजनका लागि तयार पारिएको रिपोर्ट।